हेलो एंड वेलकम टू क्लासिक क्राफ्ट फूड्स। आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रेड लज़ानिया। इसके लिए मैंने एक पैन को हीट करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ऑयल। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको मैं पिंक होने तक फ्राई कर लूँगी। ऑनियंस हमारी पिंक हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून क्रश्ड गार्लिक। इसको भी अच्छे से सॉटे कर लूंगी। गार्लिक हमारी फ्राई हो गई है। इसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 kg चिकन का कीमा। इसको भी मैं कलर चेंज होने तक फ्राई कर लूंगी। चिकन का कीमा भी भुन गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 मैगी का क्यूब ऐड करूंगी। ये चिकन का क्यूब है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको ऐड करना है तो आप इसे ऐड कर लें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 3 टमाटर की प्यूरी। 3 टमाटर को मैंने मिक्सर जार में ग्राइंड कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स। आप चाहो तो इसमें ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं। और इस ये मिक्सचर अब सेमी ड्राई होने तक मैं इसको कुक कर लूंगी। चिकन हमारी कुक हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप। ये हॉट एंड स्वीट है, आप चाहो तो सिर्फ स्वीट भी ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कैप्सिकम जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। हमें इस तरह का सेमी ड्राई मिक्सचर ही चाहिए। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसका एक सॉस तैयार करूंगी। एक पैन को मैंने हीट करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून बटर, 2 टेबलस्पून मैदा और इसको अच्छे से भून लूँगी। हमें इसे कंटिन्यूस चलाते हुए भुनना है। मैदा अब भुन गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 कप दूध। और इसको हमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करना है और कंटिन्यूसली स्टर करना है। जल्दी जल्दी मिक्स करते रहना है, नहीं तो लम्स हो जाएंगे। अब गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे ग्रेटेड चीज़। ये प्रोसेस्ड चीज़ है, आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है आप ऐड कर सकते हैं। ये 50 ग्राम्स जितना चीज़ है। अब आप थिकनेस के हिसाब से इसमें और मिल्क ऐड कर सकते हैं, जितना थिक आपको चाहिए। इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो और इसको मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट। चीज़ में भी सॉल्ट होता है, आप सॉल्ट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। गैस का फ्लेम अब मैं बंद कर दूँगी। वाइट सॉस हमारा रेडी है। ब्रेड लज़ानिया बनाने के लिए मैंने इस तरह ब्रेड लिए हैं और इसके साइड्स को मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसे इस तरह से रोलिंग पिन से थोड़ा फ्लैट करूँगी। सभी ब्रेड मैं इस तरह तैयार कर लूँगी। मैंने इस तरह का एक ओवन प्रूफ डिश लिया है। अब मैं इसके ऊपर ये जो फिलिंग मैंने तैयार की है वो डालूँगी। अब हम ये जो ब्रेड है ये इस पर रखेंगे। इस तरह हम ये डिश को पूरा कवर कर लेंगे। हमने इस तरह इसको अरेंज कर लिया है। अब जो वाइट सॉस हमने प्रिपेयर किया था वो हम डालेंगे। वाइट सॉस थोड़ा थिक ही हमें चाहिए,
नहीं तो लेयर्स अच्छे से नहीं कट होंगे। अब हम इस पर ग्रेटेड चीज़ डालेंगे, ये मोज़रेला चीज़ है। अब हम इसके ऊपर चिकन का सेकेंड लेयर ऐड करेंगे। अब फिर से हम इस पर ब्रेड के स्लाइसेस अरेंज करेंगे। अब वाइट सॉस ऐड करेंगे। वाइट सॉस थोड़ी थिक ही रखनी है। अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ग्रेट करेंगे। इस सभी तरफ हमने ये चीज़ स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा ओरिगैनो डालेंगे। अब हम इसे 180 डिग्री पर बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 15 से 20 मिनट्स के लिए। हमारा चिकन लज़ानिया बनकर रेडी है। अब मैं इसे कट करके बताती हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से ये लेयर्स में कट हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।